सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पवन सीरीज के इंग्लिश सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। इससे पहले हम लोगों ने राजन सीरीज के कंप्लीट बहुविकल्पी अदल-बदली क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, पवन सीरीज के भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हम लोगों ने करवा दिया है। अब हम यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम करवाने जा रहे हैं और ये दोस्तों दो पार्ट में बनेगा। तो पहला पार्ट यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल, यानी कि जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाती है स्कूल लेवल पर उसका एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है इंग्लिश को पढ़ाने का। तो चलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड यार्ड देयर आर फोर स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर, यानी कि यहाँ पर चार उद्देश्य बताए गए हैं इंग्लिश को पढ़ाने के बच्चों को। पहला है टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, यानी कि अगर वो जानेंगे इंग्लिश विषय को समझेंगे तभी जो बोला जा रहा है इंग्लिश में वो समझ पाएंगे। इसके अलावा वो स्पीक भी कर सके इंग्लिश में बोल भी सके, इसलिए भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी कि जो लिखी हुई इंग्लिश भाषा है उसको पढ़ सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा एम लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप चौथा लिख करके जोड़ सकते हो कि अपनी मातृभाषा के अलावा किसी और सब्जेक्ट को एज ए फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टू टीच एज ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज की तरह हम सीख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, टू अंडरस्टैंड एज ए फॉरेन लैंग्वेज या टू लर्न एज ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज की तरह हम क्या कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को सीख सकते हैं, तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश, यानी कि टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज टीचिंग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, अल्फाबेट मेथड, फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड एंड द सेंटेंस मेथड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोरी मेथड, इन दिस मेथड सिंपल स्टोरी इज टेकन विच इज इंटरेस्टिंग इन डीलिंग विथ कनेक्टेड विद द चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि स्टोरी मेथड क्या होता है। स्टोरी मेथड से बच्चों को इंग्लिश भाषा में ही कहानियां सुनाई जाती हैं जो उनके डेली लाइफ से क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, उनके दैनिक जीवन में जो चीजें घटती हैं उनसे कनेक्ट कर सके वो स्टोरीज। उससे क्या होगा, उससे दैनिक जीवन जो वस्तुएं बच्चे यूज करते हैं उनका नाम भी वो इंग्लिश में जानेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में भी जानेंगे और बहुत सारी चीजें वो नई भी सीखेंगे कहानियों के माध्यम से। तो इस तरीके से इंग्लिश भाषा को भी वो सीख लेंगे और नई कहानियां भी सीखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच, अप्रोच की डेफिनेशन क्या है। एंटोनी डिफाइंस अप्रोच इज दीज वर्ड्स, इट स्टेट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू और फिलोसफी और एन एजम्पशन विच ऑन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरली अप्रूव। तो इस तरीके से ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अप्रोच किसके अकॉर्डिंग, एंटोनी के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं इंग्लिश टीचिंग के, उसको एक्सप्लेन करिए और उनके नाम यहाँ पर बताइए। तो चलिए यहाँ पर हम सभी को बारी बारी से देखेंगे। दीज आर फॉलोइंग अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, द स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसके अलावा द सिचुएशनल अप्रोच, उसके बाद है द कम्युनिकेटिव अप्रोच, फिर है बाइलिंगुअल अप्रोच, उसके बाद द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके बाद डायरेक्ट मेथड, और उसके बाद है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, और सबसे लास्ट में दिया है ऑडियो लिंगुअल मेथड। इन सभी के बारे में मैंने
ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इंग्लिश की क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया है, और आप लोगों को जितने भी प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है आप में से बहुत से लोगों को इन सभी मेथड्स के बारे में, अप्रोचेस के बारे में पता भी होगा। तो चलिए अब दोस्तों इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? द मेथड एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड निगलेक्ट्स ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। दोस्तों जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है इसके अंतर्गत रीडिंग पर फोकस किया जाता है, पढ़ने पर फोकस किया जाता है, ट्रेनिंग इन स्पीकिंग को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया जाता है, बच्चों को केवल और केवल क्या पढ़ना सिखा दिया जाता है, यानी कि रीडिंग, केवल और केवल बच्चे इसमें पढ़ना सीख जाते हैं उस भाषा को अच्छे से। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, केवल और केवल बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं उस भाषा को, जबकि भाषा सीखने का मतलब क्या होता है, आप उस भाषा को अच्छे से बोलना भी जानो। इसके बाद व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड क्या है? इन दिस मेथड द टीचर गेव द मीनिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स इन द मदर टंग, दस हेल्पिंग द पीपल्स इमीडिएटली टू रिकॉल द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। जो बाइलिंगुअल मेथड होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर होते हैं जो कठिन वर्ड होते हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, और सेंटेंसेस को भी क्या करते हैं, वो मदर टंग में ट्रांसलेट करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है, बच्चों की हेल्प होती है, जिस चीज से होते हैं उनकी उनकी हेल्प होती है, और वो आसानी से उनको समझ जाते हैं और अच्छे से वो पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। ये चीज यहाँ पर बताया गया। इसके बाद अगला है एक्सप्लेन वन मेरिट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड की एक अच्छाई बताइए, यानी कि क्या इसमें पॉजिटिव है। तो बाइलिंगुअल मेथड एम्फेसाइजेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि जो बाइलिंगुअल मेथड है ये लिसनिंग पर भी ध्यान देता है, स्पीकिंग पर भी, रीडिंग पर भी और राइटिंग पर भी। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए चार चीजें आनी चाहिए, सबसे पहले उसको आप सुनो, अच्छे से सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, यानी कि सुबोपली। ये जो सुबोपली है ये आपको याद रखना है, ये हिंदी में भी आपके काम आएगा और इंग्लिश में भी आपके काम आएगा, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद अगला है राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। दिस मेथड असाइंस एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द रीडिंग स्किल, यानी कि ये जो मेथड है ये रीडिंग स्किल पर जोर देता है। इसके बाद अगला है डिफाइन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन डिस्कशन, यानी कि कन्वर्सेशन के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा एंड रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट द यूज ऑफ पीपल्स लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन एंड विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर। यानी कि ये जो डायरेक्ट मेथड है ये क्या कहता है, कहता है बस आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उसके बाद आप उसमें से अपने आप सीखते जाओगे, आप उसी भाषा में कन्वर्सेशन करो, उसी भाषा में आप डिस्कशन करो, उसी भाषा में आप चीजों को पढ़ो, और आपको धीरे धीरे वो भाषा अपने आप समझ में आने लगेगी। और बच्चों को आपको कुछ भी ट्रांसलेट करके नहीं बताना है, बच्चों को ग्रामर का रूल नहीं सिखाना है, तो ये सभी चीजें बिल्कुल नेग्लेक्ट होती हैं डायरेक्ट मेथड में। केवल और केवल क्या करना है, बच्चों को कन्वर्सेशन करवाना है उसी भाषा में, बच्चों से डिस्कशन करवाना है, बच्चों से किताबें पढ़वानी है, ठीक है। इस तरीके से जो डायरेक्ट मेथड है इसमें ये चीजें होती हैं, जबकि ग्रामर को नेग्लेक्ट किया जाता है। जबकि आप सभी को पता है किसी भी भाषा में व्याकरण जो होता है उस भाषा की जान होती है, तो व्याकरण भी आना चाहिए बच्चों को, लेकिन यहाँ पर केवल केवल जैसे कहीं नाम ही है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मेथड की तरह इसे डायरेक्ट केवल और केवल इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है इसमें। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द लर्निंग ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। यहां पर बताया गया है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है
फॉरेन लैंग्वेज में ये बच्चों को समझ में आना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, किस तरीके से उसके सेंटेंसेस बनते हैं और कैसे अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, ये सभी चीजें इसमें बताई जाती हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कैटेगरीज स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर आप देखिए, बेसिकली वी मे डिवाइडेड इंटू फोर डिफरेंट कैटेगरीज, सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज पैटर्न, फॉर्मूला पैटर्न एंड इडियम्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच टू टीच द फोर फंडामेंटल स्किल्स, नेमली ओवर एन इसेंशियल वोकेबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। यानी कि जो स्ट्रक्चर अप्रोच है, इसमें कहा जाता है कि बच्चे ने अगर 3000 वर्ड्स को सीख लिया है तो बच्चे को वो भाषा अच्छे से समझ में आने लगेगी, वो उसको बोलने भी लगेगा और उस भाषा को समझने भी लगेगा। तो कितने वर्ड्स कम से कम बच्चे को आने चाहिए? लगभग 3000 रूट वर्ड्स आने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द अदर नेम निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसे हम कहते हैं द ओरल अप्रोच, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, राइट फ्यू वर्ड्स ऑन ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है? इन दिस ऑडियो लिंगुअल मेथड लैंग्वेज फॉर्म्स डू नॉट आकर बाई देमसेल्व्स, द आकर मोस्ट नेचुरली विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। द ऑडियो लिंगुअल मेथड वॉज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी कि जो ये ऑडियो लिंगुअल मेथड है, ये कहाँ से आया? ये आया था अमेरिका से, कब? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इसके बाद अगला है, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच किसे कहते हैं? द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंट्रल अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। यानी कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है, इसमें जो आप बोल रहे हो, जो आपके बोलने की गति है, यानी कि जिस फ्लुएंसी से आप बोल रहे हो बातों को, जिस एक्यूरेसी से बोल रहे हो, वो चीजें बिल्कुल सही निकल रही कि नहीं, किसी भी भाषा को अगर आप अच्छे से उसमें कहाँ कहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, कहाँ पर फुल स्टॉप है, इन सब चीजों को अगर आप ध्यान देके उस भाषा को अच्छे से बोलोगे तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ेगा और समझने वाले को भी लगेगा कि हाँ आपको इस भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है, ये लर्नर सेंट्रल अप्रोच होता है, यानी कि जो सीख रहा है वही इसका केंद्र बिंदु होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोज। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, प्रोज इज द वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट टू एम्स ऑफ प्रोज टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग। यानी कि बच्चों को साइलेंट रीडिंग के लिए क्या करना? प्रिपेयर करना। टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकेबुलरीज, यानी कि उनकी जो वोकेबुलरी है उसको, उसमें एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से उसको विकसित करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, पोएट्री की डिफिनेशन दीजिए। तो पोएट्री की डिफिनेशन आप देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हर्टसन, पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। गिव द टू एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। टीचिंग पोएट्री के एम क्या है? कई बार मैं बता चुकी हूँ, टू इनेबल स्टूडेंट टू अप्रिसिएट द ब्यूटी। इसके अलावा राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, यानी कि जो पोएम होता है उसी को हम पोएट्री कहते हैं। आपको पता है कविताओं को ही हम क्या कहते हैं? पोएट्री कहते हैं। तो बच्चों को लय ताल, जैसे कि हम छंद, बच्चों को हिंदी में हम लोग सिखाते हैं रस छंद अलंकार, सेम वही चीज होती है पोएट्री। इंग्लिश में भी रस छंद अलंकार होते हैं, तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें होती हैं, अलंकार होते हैं, तो किस तरीके से रिदम कैसे होता है, कैसे राइमिंग होती है वर्ड्स की, इन सभी के बारे में बच्चे जब पढ़ते हैं पोएट्री को तभी सीखते हैं, जब वो सीखते हैं तभी वो लिख सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को अगर पोएट्री लिखना है तो सबसे पहले उसे लिखना सीखना होगा, और पहले उसे पढ़ना सीखना होगा, फिर वो लिख पाएंगे उसे। और उनको यहाँ पर बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, उनकी जो इमेजिन करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है पोएट्री पढ़ने से, और उनको फ्री थिंकिंग करने
करने का भी मौका मिलता है पोएट्री से। तो इस तरीके से पोएट्री जो है ये बहुत ही अहम रोल अदा करती है बच्चों के पाठ्यक्रम में। इसके बाद आगे है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री हैज थ्री एस्पेक्ट्स, इमोशनल, इमेजिनेटिव एंड रिदमिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स आर एन एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। द चाइल्ड इज इनकरेज्ड टू यूज ऑल दिस लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। यानी कि बच्चों को इनकरेज किया जाता है लैंग्वेज गेम्स को सीखने के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें, लैंग्वेज गेम का मतलब होता है कि आप गेम के माध्यम से बच्चों को, किसी भी खेल के माध्यम से उसको, बच्चों को भाषा सिखा दें। तो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज गेम्स होते हैं फ्लैश कार्ड के माध्यम से, और भी छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से टीचर करा सकते हैं स्कूल में। इस तरीके से बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और साथ ही साथ बच्चे घुल मिल करके आपस में रहते हैं, और आप ग्रुप में भी चाहें तो डिवाइड करके बच्चों से कोई खेल खिला सकते हैं। इस तरीके से उनकी जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग बनेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन टू पर्सन। कन्वर्सेशन का मतलब ही होता है दो लोगों के बीच बातचीत। तो यहाँ पर देखिए, डायलॉग बिटवीन टू पर्सन यानी कि दो लोगों के बीच क्या होता है, बातचीत होती है। इसके बाद आगे है, यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी वॉवेल्स इन ए टू जेड। आप सभी को पता है ए टू जेड में कितने वॉवेल होते हैं, पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पांच वॉवेल होते हैं। इसके अलावा चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक। तो जे फॉर क्या होगा, टाइगर होगा कि जग होगा, क्या होगा इसमें से, राइट आंसर है जे फॉर जग। इसके बाद है एल फॉर, एल फॉर क्या होगा इसमें से, लायन होगा। फिर एक्स फॉर एग, एक्स मस ट्री या कोट, तो राइट होगा एक्स मस ट्री। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द जंबल्ड बाई लेटर्स इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनको हमें करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो एल एम एन ओ पी, तो एल आ जाएगा सबसे पहले, फिर एम, फिर एन ओ पी, इस तरीके से हमें भरना है यहाँ पर। फिर है ये यू V X U V W X Y। इसके बाद है Q R U V S, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हमें सिस्टमेटिक लिखना है। तो Q R S U V, यानी कि यहाँ पर क्या करना था, इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना था क्रमबद्ध तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स इन A टू Z। तो टोटल 26 लेटर होते हैं, इसमें से पांच क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 21, और ये 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। इसके बाद राइट फाइव नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, पोटैटो, पी, टमेटो, जिंजर, कैरेट, ये सभी। इसके अलावा आप बहुत सारे और भी सब्जियों के नाम है जिन्हें आप लिख सकते हैं यहाँ पर। कॉलीफ्लावर है जिसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसके अलावा ब्रिंजल है, बैंगन। इसके बाद अगला है, राइट फाइव नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवरों के नाम लिखना है। तो एलिफेंट है, फॉक्स है, लायन है, वोल्फ है, बियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट फाइव नेम्स ऑफ बर्ड्स, पैरेट है, पिगन है, वल्चर है, क्रो है, क्रेन है। अगला क्वेश्चन है, राइट फाइव नेम्स ऑफ पेट एनिमल्स, कौन कौन से ऐसे एनिमल है जिनको पाला जाता है, या जो पालतू पशु है। तो डॉग है, काऊ है, कैट है, ऑक्स है, गोट है, बफलो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। राइट फाइव नेम ऑफ फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, पाइन एप्पल। इसके बाद अगला है, राइट फाइव नेम्स ऑफ प्लांट्स, पिचर प्लांट, कोवेलिटी, सनड्यू, तुलसीज, एलोवेरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ डेज इन वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, राइट 11 टू 20 फिंगर्स इन वर्ड्स, यानी कि पहले 11 टू 20 हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो 11, 12, 13, 14, 15, सबकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर एग्जाम में पूछता है 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स। तो 19 कैसे लिखेंगे, एन आई एन ई टी डबल ई एन, 19। फिर
79 है SEVENTY 70, उसके बाद 9, फिर है 42 FORDY 40 TWO2, फिर 89 है EIGSTY 80, फिर 9। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस आप कोई भी लिख सकते हो, आई रीड ए पोयम, इसके अलावा आप लिख सकते हो राम गोज टू स्कूल, आई एम अ गुड प्लेयर, या इस तरीके से सिंपल सेंटेंस आपको जो भी अपने दिमाग में आता है तुरंत आप लिख सकते हो। व्हाट इज अवर नेशनल गेम, नेशनल गेम क्या हमारा, हॉकी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। द गार्डन हैड डैश एप्पल, ए के आगे क्या लगेगा, ए एन द में क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा कि द लगेगा, आपको पता है ए से होने की वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा वॉवेल से पहले। फिर ऑरेंज, मैंने अभी आपको बताया है राजन सीरीज में भी ये चीज कि ऑरेंज यहाँ पर अ से इसका उच्चारण हो रहा है, सेम जैसे ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट हम बोलते हैं इसको, तो ये भी अ से उच्चारण होने की वजह से इसके आगे हम एन लगाते हैं। सेम वही सिचुएशन ऑरेंज के भी साथ है, ऑरेंज से पहले यहाँ पर हम एन लगाएंगे क्योंकि उच्चारण आ रहा है और आ क्या होता है, स्वर होता है, आप सभी को पता है हिंदी में, तो यहाँ पर वही चीज वही सेंस लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे गवा के आगे क्या लिखेंगे, ए ही लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, जी जी कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड ए गवा ट्री, यानी कि गार्डन में क्या कौन कौन से पेड़ है, एक एप्पल का पेड़ है, एक ऑरेंज का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल। इन द बिगिनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज बीन प्रैक्टिकल ओरली, यानी कि शुरू शुरू में बच्चों को किस तरीके से दिया जाता है उस भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जो उनके प्रैक्टिकल यूज में हो, ताकि बच्चे क्या करें, शुरुआत में ही उस भाषा से उनका लगाव हो जाए, वरना वो डर जाएंगे तो सीख ही नहीं पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव वन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड हेल्प द स्टूडेंट्स बिल्डिंग इंप्रूविंग वोकेबुलरी, स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीजिंग रीडिंग फ्लुएंसी। यानी कि बच्चों को जब आप रीडिंग करने को देते हो तो बच्चों को क्या होता है, बच्चों की वोकेबुलरी इंक्रीज होती है, बच्चे जो रीडिंग फ्लुएंसी होती है यानी कि वो उनकी फ्लुएंसी अच्छी होती है, उनकी इमेजिनेशन अच्छी होती है, तो ये सभी चीजें इंप्रूव होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिव एन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में एडवांटेज यही होता है, इट इज क्विकर एंड देयर फोर सेव्स टाइम। हम जब कुछ मन में पढ़ते हैं तो बहुत स्पीड से पढ़ लेते हैं और जब बोल करके पढ़ते हैं तो समय लगता है, तो ये बहुत फास्ट होती है साइलेंट रीडिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मौन वाचन कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, द मेजर कैटेगरीज इनटू विच द वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 इन नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसके अलावा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन में कौन आता है, बॉय गर्ल इटीसी, प्रॉपर नाउन में राम कानपुर इटीसी, कलेक्टिव नाउन में क्राउड नेवी, इसके बाद मटेरियल नाउन में वुड मिल्क आदि, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एंगर फियर। इस तरीके से ये पांचों का नाम है, आप याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है नाउन और नाउन के प्रकार। अब हम प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जो प्रोनाउन होता है ये नाउन की जगह पर यूज होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी प्रोनाउन के प्रकार दिए हुए हैं, और यहाँ पर बताया भी गया है कि किस प्रोनाउन का कौन सा एग्जाम्पल है। पर्सनल में आते हैं आई वी अस, रिलेटिव में आते हैं हु विच, इंट्रोगेटिव में हुज हुम, डिमोन्स्ट्रेटिव में माई योर, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ हिमसेल्फ, इनडेफिनिट में वंस नन फ्यू, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर नाइदर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ जेंडर्स, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। यही इंग्लिश में चार जेंडर होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चारों का नाम आप याद रखिएगा, इनके एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब मेल सेक्स, यहाँ पर देखिए मैन और हॉर्स। इसके बाद फेमिनिन जेंडर में फीमेल सेक्स यानी कि वुमेन, डग। कॉमन जेंडर में मेल एंड फीमेल सेक्स, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट एंड चाइल्ड। और न्यूट्रल जेंडर में लाइफ लेस थिंग जैसे कि पेन, बुक, टेबल, चेयर, ये सभी चीजें जिनमें जान नहीं होती है, लाइफ लेस थिंग्स को हम किस में रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। इसके बाद गिव द आर्टिकल। तो यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल आप सभी को पता है कि तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। तो ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन जैसे कि ए बॉय, ए गर्ल। और एन का प्रयोग, आर्टिकल एन इज यूज बिफोर वॉवेल साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन जैसे कि एन एप्पल, एन आउल। इसके बाद द का प्रयोग, आर्टिकल द इज डेफिनेट आर्टिकल, इट इज यूज टू रिफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एंड अनलाइक थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पर सन, मून, द सन, द मून, द अर्थ। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन प्लेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ए सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं ये क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर बताते हैं किसका, नाउन या फिर प्रोनाउन का। ही इज एन ओल्ड मैन, ये ओल्ड जो है बूढ़े आदमी, बूढ़ा शब्द किसके लिए आया, मैन के लिए आया। और मैन क्या होगा, ये नाउन होगा। बस यही है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूरा एक सेंस देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों जो सेंटेंस होते हैं ये पांच प्रकार के होते हैं। आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने कमेंट करके बताया भी था जब मैंने पूछा था कि कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल पांच प्रकार के होते हैं। तो पांच प्रकार में कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस पहला होता है, असर्टिव सेंटेंस दूसरा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस चौथा होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये पांच प्रकार के होते हैं मेनली, ठीक है। तो फाइव आप लिख सकते हो, और दोस्तों कहीं कहीं आपको फोर भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको फाइव मिलेगा, कहीं कहीं आपको सिक्स मिलेगा, लेकिन ये जो फाइव टाइप्स है मेनली आपको मैक्सिमम टाइम यही देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको फाइव बताया है और ये फाइव मैक्सिमम जगह पर ही आपको मिलेगा देखने को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, जब भी लिखने को आएगा। तो ऑलरेडी मैंने बता भी दिया, आप लिख भी सकते हो एग्जाम में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो अंडरलाइन नाउन वर्ड है इसको हमें वर्ब में चेंज करना है। यहाँ पर चेंज होगा, ही राइट अ लेटर का हो जाएगा ही रोट अ लेटर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सभी को करा दिया आपके फर्स्ट पार्ट में। अब इसके बाद जितने बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहाँ कहीं भी आपको कोई समस्या हमसे पूछते हुए रहिए। हम लोगों ने दोस्तों आपके सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं, सभी विषयों के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, सभी सब्जेक्ट के राजन सीरीज को हम करा रहे हैं, पवन सीरीज को हम करवा रहे हैं, और आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी हम लेकर के आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपके सॉल्व हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की तैयारी को हम बेहतर से बेहतर बना सकें। और दोस्तों यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। जिस भी विषय के लिंक पर आप क्लिक करोगे उस विषय की आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जैसे ही आप प्रेस करोगे और बगल में घंटी का निशाना है उसको भी दबाओगे तो आपको सभी विषयों की वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिलती रहेगी और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे।
तो बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक हमारी वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार ऐसे ही हमारे वीडियो से आप सभी लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर सके। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।